हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मावा कोकोनट के पेड़े की रेसिपी, जो कि सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है। देखिए, मावा अगर तैयार हो आपका तो उसके बाद ही सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है। तो ये मैंने किस तरीके से बनाए हैं तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और जैसा कि आज जन्माष्टमी है तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के भोग के लिए ये बनाए हैं। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले मावा ले लिया है। ये मैंने मावे में डाले हैं इलायची के दाने कुटे हुए। तो अब ये मैंने कोकोनट का बुरादा ले लिया है और ये मैंने थोड़ी सी लिया बूरा और थोड़े सा पिस्ता और बादाम कटे हुए। तो अब सबसे पहले हम मावे को अपने को अच्छे से थोड़ा सा घी डालकर भून लेंगे। देखिए, अगर हम बिना घी में भुने मावे पेड़े बनाते हैं तो पेड़े हमारे सही नहीं बनते हैं, ना ही उनकी प्रॉपर शेप होती है, क्योंकि हमारा मावा बूरा डलते ही पतला हो जाता है। तो इसीलिए मावा, चाहे आप घर में भून रहे हैं तो उसे जब मावा आपका तैयार हो जाए उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में 1 चम्मच घी डालकर उसे अच्छे से भून लीजिए। और अगर आप बाहर का मावा यूज कर रहे हैं तो उसे भी थोड़ा सा घी डालकर कढ़ाई में अच्छे से भून लीजिए। और जब मावा आपको थोड़ा टाइट लगने लगे तो उसके बाद, ठंडा होने के बाद, उसमें आप बूरा और कोकोनट का बुरादा मिक्स करके तब बनाइएगा। देखिए, मेरी बूरा ये थोड़ी मोटी है तो इसीलिए मैं चलती हुई गैस पर ही इसको गर्म मावे में डाल रही हूँ। अगर आपके पास बारीक बूरा है तो आप फिर उसको ठंडा मावा होने के बाद डालिएगा। और ये डाल दिया मैंने कोकोनट का बुरादा, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ठंडा होने का वेट करूँगी, क्योंकि मैंने गर्म में डाला इसलिए मैं ठंडा होने का वेट करूँगी। देखिए, मैंने मीठा ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि लाइट मीठे के ही अच्छे लगते हैं। आपको जैसा मीठा पसंद हो वैसा डालिए। अब देखिए, ये ठंडा हो गया है तो अब ये देखिए, अब इसकी शेप आ जाएगी। हम जैसे भी शेप के बनाएंगे, तो मैंने शेप देने के लिए मैंने एक ढक्कन ले लिया है और मैं गोल शेप के बनाऊँगी। तो इसमें मैं ढक्कन में इस तरीके से मावा डाल के और अच्छे से प्लेन करके इस तरीके से, और इस पर थोड़े से डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स ऊपर से इस तरीके से। और अब मैं एक चाकू की हेल्प से साइड से निकालते हुए इनको निकालूँगी और इसी तरीके से मैं अपने सारे पेड़ों की शेप दे लूँगी। देखिए, आपको जैसी शेप पसंद है आप अपने पेड़ों की वैसी शेप दीजिएगा। मुझे इस तरीके के पेड़ पसंद है तो मैंने इस तरीके के बनाए। आप चाहें तो लड्डू की शेप भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब ये देखिए, हमारे पेड़ बिल्कुल तैयार हैं। तो ये बिल्कुल 5 मिनट में बन जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और जन्माष्टमी के व्रत में जैसा कि हर घर में पेड़े ज़रूर बनते हैं, तो आप भी ट्राई कीजिए।